मदर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है, वेलकम। मैं जय भगवान वर्मा, मैथ और इंग्लिश का टीचर आपके लिए मैं आज क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम उसका इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूँ कि इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और स्फेयर ये चार चीजें आपके चैप्टर में दे रखी है और इन चार चीजों का वॉल्यूम, एरिया और इनका डायग्राम कैसा होता है और निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपके लिए ले गया हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 16। जैसे ये मैंने डायग्राम बना के रखे हैं कुछ, पहला जैसे डायग्राम मैंने बना रखा है क्यूब का, क्यूब यानी कि जिसको हम बोलते हैं घनाभ। क्यूब की में एक साइड होती है, क्योंकि क्यूब की ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये हाइट होती है। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हमेशा इक्वल रहती है, इसलिए इसको साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी साइड, अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 और ये भी 6। इसी प्रकार क्यूब, क्यूब का एरिया जिसको आप टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6 sin² का। रीजन, क्यूब को जब ऊपर से देखा जाता है, इसका एक साइड आप देखोगे तो आपको स्क्वायर नजर आएगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग। और स्क्वायर की खास बात होती है इसमें लेंथ, इतनी लेंथ होती है उतनी उतनी ब्रेथ होती है। तो इसमें क्यूब में आपके 6 sides होती हैं, 1, 2, 3 इधर वाला 4, एक इधर से 5 और इधर से 6। तो 6 sides हो गई। एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया 6 sin². वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है साइन क्यूब। एक बात हम बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, गलतियां करते हैं कई बार, कि जब भी हम एरिया निकालेंगे तो यूनिट जो लगती है वो हमेशा स्क्वायर लगती है, यूनिट जो लगती है वो हमेशा स्क्वायर लगती है, और वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो यूनिट हमेशा क्यूब लगती है। सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, ठीक इसी प्रकार जैसे क्यूब वैसा का वैसा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, एक होती है आपकी लेंथ, एक होती है आपकी ब्रेथ, एक आपकी होती है हाइट। क्यूबॉइड का जो एक साइड होता है वो जस्ट लाइक ऐसे रेक्टेंगल होता है, यानी कि आयत होता है। तो क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। क्यूबॉइड का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपका होता है 2lb + bh + hl, मींस l को b से मल्टीप्लाई प्लस b को h से मल्टीप्लाई प्लस h को l से मल्टीप्लाई यानी गुणा। वॉल्यूम का फॉर्मूला l × b × h, ये आपका क्यूबॉइड। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई नहीं और ना मैंने लिखी भी है, जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं वो ये कि एक डायगोनल होता है। क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √l² + b² + h². क्यूबॉइड के बाद हमारा आता है सिलेंडर। सिलेंडर में एक होती है रेडियस पर एक होता है हाइट, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है। सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हमेशा जस्ट लाइक एज ए सिलेंडर, एज ए सर्कल होता है। तो ये आपका सर्कल हुआ और सर्कल में हमेशा रेडियस होती है, तो ये आपकी रेडियस। सिलेंडर का टीएसए, टीएसए मींस होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h + r। ये सारी चीजें आप 9th क्लास में पहले से पढ़ करके आए हैं, अगर नहीं पढ़ करके आए हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को देखें लगातार, आपको समझ में आएगा। टीएसए टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीएसए मींस होता है कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मींस बाहर बाहर, ये बाहर का जो हिस्सा है इसका, ये बाहर बाहर का जो कितना एरिया कवर करता है इसका होता है सीएसए। ठीक इसी प्रकार सिलेंडर का निकलता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो है हमारा स्फेयर। इसका देखने से लगता है डायग्राम बिल्कुल सिलेंडर सर्कल के जैसे है, लेकिन ये ठोस होता है, सॉलिड होता है, इसलिए इसको स्फेयर कहते हैं। और स्फेयर का टीएसए टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 4πr², वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 4/3πr³। एक स्फेयर होता है, एक हेमी स्फेयर होता है, ये हेमिस्फीयर का मतलब हो गया आधा, आधा। तो हेमिस्फीयर का टीएसए टोटल सरफेस एरिया 3πr², सीएसए 2πr² एंड वॉल्यूम 2/3πr³। अब हम क्या करेंगे, ये आपके फॉर्मूले है, अब हम
16.1 का क्वेश्चन नंबर एक करने की कोशिश करेंगे, करके देखेंगे। यस, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि मैं क्वेश्चन अपने करके देखेंगे। 16.1 का क्वेश्चन नंबर वन गिवन दे रखा है। क्वेश्चन को आप बुक में पढ़ो अच्छे से। जब आप क्वेश्चन को बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपके 12 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन में लिख रखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 2lb + bh + hl। हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे हमें फॉर्मूला कहता है फॉर्मूले के हिसाब से हमें अपनी वैल्यू पुट करते जानी है। जैसे फॉर्मूला है 2, तो 2 l लेंथ होती है आपकी 12, l और b के बीच में कोई साइन नहीं है। मैथ का सिस्टम है, जब दो डिजिट दे रखे हो, दो सब दे रखे हो, दो वर्ड दे रखे हो, बीच में कोई साइन नहीं होता, इट मींस आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो l और b की मल्टीप्लाई, b और h की मल्टीप्लाई और h और l की मल्टीप्लाई। तो 2 का 2 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया 108 प्लस का प्लस, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 और 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60। मैथ में बोर्ड पास का नियम लगता है, मैथ कहती है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। 2 का 2 108 45 और 60 को हम प्लस करते हैं, हमारा आता है 213 और 213 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। I repeat again, हमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला लगाने के बाद ये गिवन जो है क्वेश्चन के अंदर वो सर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें वैल्यूज पुट करनी है। एक बात का ध्यान रखना है विशेष कि एरिया जब भी निकालते हैं यूनिट में स्क्वायर आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं यहाँ पे जिसके कारण नंबर माइनस हो जाते हैं। और जैसे क्वेश्चन नंबर 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है और पूछ रखा है आपको कि उस बॉक्स को कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो सीधी सी बात है कि इस चीज को कवर करते हैं तो हमेशा उसमें एरिया निकालना पड़ता है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाया, क्वेश्चन नंबर 3 आप करके देखेंगे और किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, आप उसमें अपना फोटो की जो समस्याएं हैं वो फोटो व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।